पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को बड़ी राहत। तो आपको बता दें कि पी चिदम्बरम को बड़ी राहत यहां पर मिली है। आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को जमानत मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदम्बरम को जमानत दी है। 1 लाख के मुचलके पर यह जमानत पी चिदम्बरम को मिली है। तिहाड़ जेल में बंद है पी चिदम्बरम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताया। तो हालांकि ईडी केस में चिदम्बरम को अभी भी जेल में ही रहना पड़ेगा, लेकिन आईएनएक्स मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट से यहां पर राहत पी चिदम्बरम को जरूर मिली है। तो आपको बता दें कि पी चिदम्बरम को राहत यहां पर मिली है और आईएनएक्स केस में जो गिरफ्तारी उनकी हुई थी, अब 2 महीने बाद पी चिदम्बरम को इसमें बेल मिली है, लेकिन ईडी मामले में अभी भी जेल में रहेंगे। तो आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं। तो आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई केस में पी चिदम्बरम को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। तो इस बेल के बाद भी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में रहेंगे, क्योंकि वो 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में है। तो आईएनएक्स केस में देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे, ये कुछ शर्तें यहां पर रहेंगी पी चिदम्बरम के लिए। हालांकि आईएनएक्स मामले में कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी राहत जरूर मिली है और अब कोर्ट की तरफ से उनको राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। तो आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि ईडी मामले में अब अभी भी जेल में बंद रहेंगे। तो आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। 1 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो इस बेल के बाद भी चिदम्बरम को हालांकि जेल में रहना पड़ेगा, राहत जरूर यहां पर मिली है, तो वहीं देश छोड़कर भी नहीं जा पाएंगे पी चिदम्बरम, क्योंकि 24 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है पी चिदम्बरम। तो आईएनएक्स मामले में जहां उनको राहत मिली है, तो वहीं ईडी मामले में अभी भी लगातार उनकी मुश्किलें बरकरार है।